आमिर का तो जिक्र होना चाहिए ना यार। भाई आमिर पे हमने कोई बड़ा तनकीद भी की है, लेकिन कल उसकी बैटिंग फिर आकिब जावेद को एक मिल गया है, जवाब मिला है। उसने कल 145 के पेस के साथ बॉलिंग की है। दिखाएं भाई आमिर ने कल जो जश्न मनाया है ना, वो ट्रिपल एच का जो स्टाइल उन्होंने किया है वो बड़ा एक, ये कल इनकी स्पीड देखें आप, 143, 120, 140 पे विकेट, 139, 140 यार। देखिए चेंज ऑफ पेस, 140 के बाद 120, ये जश्न का जो स्टाइल है ना इनका, आकिब जावेद याद अभी कह रहे थे बीच में वो बीपीएल की तो स्पीड मीटर कोई खराब है, वरना आमिर के पास तो पेस ही नहीं। लेकिन कल जवाब इनको मिल गया होगा, कल गो के इन्होंने 2 ओवर्स ही करवाए। ये भी तो कह सकते हैं, ये शायद बीपीएल वाले स्क्रीनशॉट ही शेयर कर रहे हैं आमिर के लिए, वो कुछ भी कह सकते हैं भाई। नहीं, लेकिन कल लाला की बात मानी आमिर ने, आमिर जोश में आए थे विकेट के बाद, लेकिन फिर उन्होंने याद आया तो उन्होंने ऐसे करके इशारे के करे नहीं नहीं, और फिर रोमान रईस की तरह ऐसे खड़े हो गए। फिर यूं भी तो किया, लेकिन कह रहे अच्छा था। मैं चाहूंगा कि अगर आप एक बंदे को ना बोले नियाजी, दो मैच उससे बेहतरीन कैच, कल वाला कैच, जी कल भी जो आमिर की जिस विकेट पे सेलिब्रेशन हो रहा है और जितनी बातें हो रही हैं, उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा, और अगेन मतलब राइट हैंड पे नहीं, लेफ्ट हैंड, और ये वही पोजीशन है जहां शरदील ने कैच गिराया था और उसके बाद गिप्टल ने एक ओवर में 3 रन मारे। लेकिन बात ये, इंजर्ड हो गया है वो बंदा आमिर, क्या ऐसी इंजरी उसके साथ हुई है, क्या सामने आ रहा है? वो ग्रोइन इंजरी है, वो फास्ट बॉलर को अक्सर हो जाती है जब आप भागते हैं तो ये पट्टा होता है जो खिंच जाता है, उसको रिलैक्स करेंगे थोड़ा, इसलिए ज्यादा लंबा आराम नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते का आराम बोला डॉक्टर। की बॉलर है, की बॉलर है, वो मुल्तान के मैच में नहीं होगी, लेकिन अगला मैच जब उनका यहाँ पर होगा कराची में, जब मुल्तान से होगा तो फिर वो उसमें अवेलेबल हो जाएंगे, वो इतना कोई मसला नहीं होता फास्ट बॉलर के हो जाता। लेकिन यार आमिर ने कल जो ये ओवर फेंका है उसकी भी एक थी, उसने जो बॉल्स का लाइन और लेंथ, ये बाउंस आ रहा है कराची की बेजान विकेट्स पे, उन्होंने बाउंस मारे हैं, और फिर जो 2 ओवर्स में उन्होंने नपीतुली बॉलिंग की है, खुल के खेलने नहीं, कल इसके ऊपर सारा क्रेडिट क्राउड को जाता है, क्योंकि आमिर जब स्टार्ट पे आके खड़ा होता था वहां से लेके जब वो बॉल डिलीवर करता था, सिर्फ आमिर के नारे लग रहे थे ग्राउंड के अंदर। जब क्राउड आपको इतना चेयर करता है ना, तो अंदर से एक अपने लिए आवाज लगवाई और फिर बोल्ड मारा था, ये किसी भी बॉलर के लिए या किसी भी बैट्समैन के लिए बड़े काबिले फख्र बात होती है कि क्राउड उसे सपोर्ट करे, क्योंकि आप पे प्रेशर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि वो सामने वाले पे आप हावी हो गए अपने क्राउड अपने सपोर्टर्स के जरिए, और कल ये वाजह नजर भी आया वो सपोर्ट जो उन्हें मिल रही है यार। कल हम इसके पेस पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कल उस बंदे ने यार 145 मारी, आपका जोश और जज्बा बिल्कुल अलग होता है। आज का वो स्पेल आपको याद है जो वॉटसन वाला था, वो क्या था, वो क्राउड पंप्ड हुआ, उसने शोर लगा तो उसका जज्बा बढ़ गया, उसने और उससे ज्यादा जान लगा के बॉल की, तो ये जान क्राउड के जब जोश बढ़ाता है ना आपको, तो फिर अंदर से निकलता है, और उस चक्कर में एक और को फायदा हो गया, लोग आमिर आमिर का आवाज लगा रहे थे, आमिर यामी नए में खुश हो गए, वो जान मारे जा रहे थे। लाला ने लाला जब जाके मिले हैं लास्ट में टीम से, आमिर यामी की उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने अगर आप उनके इशारे नोट करें, उन्होंने आमिर यामिन को कहा, और नो डाउट तो मैं बात कर रहा था, आमिर यामिन की हाइट कम है, उनका बॉल बाउंस नहीं करता, स्किट करता है, और कल उन्होंने वही किया, कल उन्होंने वही किया, स्किट करवाया, फखर जमान वाली बॉल भी जो थी वो उनकी स्किट कर गई जिससे फखर खींचना चाहते थे, लेकिन आउट हो गए। आमिर यामिन इसी वजह से थोड़ा फायदेमंद है।